नमस्ते दोस्तों, ललिताज चूल्हा चौका किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए महाराष्ट्र का खानदेशी देसी मेन्यू लेके आई हूँ। इसमें हम करने की भाकरी और बैंगन का भरता बनाएंगे। यहाँ हमने 3 बैंगन लिए हैं। ये भरते वाले बैंगन हैं और ये स्पेशली जलगांव के हैं, जो कि मेरी सहेली ने मुझे दिए हैं। हमने इनको धो के पोंछ लिया है। जब हम इन्हें भुनेंगे गैस पे, तब अंदर की हवा बाहर निकलनी चाहिए, इसलिए हमने इसे टोचे मारे हैं। और अभी तेल का हाथ लगा लेंगे सभी बैंगनों को। हमने यहाँ गैस पे इस तरह की जाली रखी है और धीमी आंच पे हम सभी बैंगनों को भून लेंगे। इसमें ये हरा प्याज भी पड़ता है, तो हमने इसे भी धो लिया है। और बघार के लिए हमने एक प्याज लिया है जो कि बारीक कट किया है। 2 टेबलस्पून मूंगफली के दाने हैं, 2 बड़े टमाटर है कट किए हुए और 7-8 लहसुन है। हमने इस तरह से ये एक बैंगन भी इधर रख दिया है। गांव में तो इसे चूल्हे पे भूनते हैं, लेकिन अभी सिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसमें एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा भी रखा है 1 मिनट के लिए, ताकि हमें स्मोकी फ्लेवर मिले। बाद में हम इसे निकाल लेंगे। बीच बीच में हमें बैंगन की साइड चेंज करनी है, ताकि वो सभी साइड से इवनली भुने। अभी हमारे बैंगन तीनों भी भून गए हैं। हमने गैस बंद कर लिया है और हम इसे थाली में निकाल लेंगे और इसे कोई भी ढक्कन से ढक लेंगे, ताकि अंदर जो स्टीम बने उससे ये छिलका जल्द से जल्द निकल जाए। 5 मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया था और ये देखिए, हमारा बैंगन का छिलका बहुत ही आसानी से निकल रहा है। अभी छिलका उतारने के बाद में ये बैंगन को हम ऐसे मैश कर लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल लिया है और इसमें हमने राई डाली है। राई क्रैकल होने के बाद में हमने इसमें 1 चुटकी हींग डाला है और 1 टीस्पून जीरा डाला है। और अभी इसमें हम मूंगफली के दाने फ्राई कर लेंगे। मूंगफली के दाने हल्के फ्राई होने के बाद में हम इसमें प्याज और टमाटर डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। प्याज टमाटर गलने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। प्याज भी हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। हमें टमाटर और प्याज को हल्का ही भूनना है। अभी हम इसमें हरा प्याज ऐड करेंगे। 1/2 मिनट के लिए हरा प्याज को भी हम पका लेंगे। और अभी हम इसमें लहसुन जो हमने कूट लिया था उसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमें लहसुन का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए, इसलिए हमने इसे लास्ट में ऐड किया है। थोड़ा सा पका लेंगे इसे भी। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमने इसमें 2-3 टीस्पून मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाली है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली। मसाले भूनने के बाद में हम इसमें मैश किया बैंगन डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे। 1-2 मिनट हम इसे पका लेंगे और गैस बंद करके हरा धनिया डालेंगे। हमारा बैंगन का भरता तैयार हो गया है। अभी हम कलने की भाकर बना लेते हैं। इसके लिए हमने 1 किलो ज्वारी और 1/2 किलो साबुत उड़द के दाने, इनका आटा कर लेंगे। ये आटा बाजरे के आटे जैसा ही काला दिखता है, तो हमने ज़रूरत के अनुसार आटा लिया है। इसमें हम नमक ऐड करेंगे और जैसे हम भाकरी बनाते हैं उसी तरह से पानी डाल के हम इसकी भाकरी बनाएंगे। यह आटा थोड़ा सा गूथने के लिए
चिकना होता है तो इसका भी ध्यान रखें। आप इसे बेल के भी बना सकते हो गेहूं की रोटी की तरह, या इसकी भाकरी भी बना सकते हो थाप के। इसमें साबुत उड़द ही पीसना चाहिए, ना कि उड़द की दाल, तो इसका ख्याल रखें। और उड़द गर्म होता है, ठंडियों में सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गरम गरम करने की भाकरी और बैंगन का भरता बहुत ही बढ़िया लगता है। आप ज़रूर इसे बनाइए और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये खानदेश में सर्दियों में खाने वाली बहुत ही प्रसिद्ध ऐसी डिश है। रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन भी दबाएं। देखिए हमारी करने की भाकरी तम फूल गई है और अभी हम इसे बैंगन के भरते के साथ एंजॉय करेंगे। आप भी बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।